तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल का आपको एआई टूल बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको बता होगा दोस्तों, गूगल सबसे बड़ा पावर सर्च इंजन है, या बोल सकते हैं सबसे बड़ा सर्च इंजन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेटा गूगल के पास ही मिलता है, पर गूगल का डेटा कम होने लगा था, या बोल सकते हैं गूगल पर सर्चिंग कम होने लगी थी एआई मॉडल्स के आने पर, लाइक चैट जीपीटी, उसके अलावा भी बहुत सारे आ गए थे। उसके बाद गूगल ने भी अपना एक AI मॉडल निकाला जिसका नाम था बार्ड, पर वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेमिनी का, जो कि अभी रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया है। जेमिनी नाम से एक AI टूल लॉन्च किया है, और ये AI टूल पूरी तरीके से गूगल को चेंज करने वाला है, क्योंकि ये वाला जो AI टूल से आपको गूगल असिस्टेंट को भी रिप्लेस कर देगा। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं तो उसमें भी जेमिनी आ जाएगा, और आपका गूगल सर्च करेंगे तो उसमें भी जेमिनी आ जाएगा। नॉर्मल अगर आप गूगल से ब्राउजिंग करेंगे उसमें भी जेमिनी आ जाएगा, मतलब कि एवरीथिंग जगह आप गूगल जेमिनी AI का यूज़ कर पाएंगे, जो कि मोस्ट पावरफुल है। इसके अंदर बहुत सारे AIs को या API को डिफाइन किया गया है, जिससे आप इसमें बहुत कुछ करवा सकते हैं इस API के अंदर, जिसके बारे में एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कैसे अपन इसको लाइव यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल ये जो गूगल असिस्टेंट को रिप्लेस करने वाला है, वो फिलहाल इंडिया छोड़ के USA में रिप्लेस करने वाला है। मैं अभी इसको गूगल असिस्टेंट पर रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको मैं नॉर्मल में गूगल की वेबसाइट में जाके इसको यूज़ कर सकता हूँ। उसके बारे में ही आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे आप इसको यूज़ कर पाएंगे डेली लाइफ में, बहुत ही ईजिली यूज़ कर पाएंगे, और क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं सब आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी यार, और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसे बताया मैं आपको बता रहा हूँ जेमिनी के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने यहाँ पर गूगल के सर्च इंजन पे, या गूगल ब्राउजर कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली लिख लेना है जेमिनी। जेमिनी लिखने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ये मिल जाएंगे, आपको 3 से 4 यहाँ पर पेजेस मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर वाले में चले जाना है, जहाँ पर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताया होगा कि क्या है ये, कब लॉन्च हुआ है, कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं वेलकम टू जेमिनी एरा। जेमिनी एरा एक इकोसिस्टम है जो कि बहुत ही मोस्ट कैपेबल AI है, जिसके अंदर आप बहुत सारे कोडिंग, वीडियोस, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, कहीं से भी कोई भी सवाल पूछेंगे उसका आपको रिप्लाई करके देने वाला है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। कैपेबिलिटी है, मतलब ये मान सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट AI होने वाला है जब ये लॉन्च हो जाएगा ऑफिशियली। अब ऑफिशियली अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बाकी सब जगह हो गया है, आने वाले टाइम पे हो जाएगा। और जब अगर आपको फिलहाल इसको यूज़ करना है तो आप इसको क्रोम वर्जन पे यूज़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं वेबसाइट के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो भी गूगल की वेबसाइट होगी या गूगल का जो मेल होगा उससे जो भी नाम होगा आपको बता देगा। जैसे मेरा नाम बता रहा है हेलो सनी, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, यहाँ पर आपको बता रहा है। और यहाँ पर आपको ये सजेशन करके बता रहा है कि आपको इस रिलेटेड कुछ टास्क तो नहीं करवाना है मुझसे, जैसा कि What are the reaction of the impact of autonomous vehicles? Help the find the latest trend. Give me tips to care for tricky plants. Help me grab tax respect to, मतलब कुछ भी जैसा कि मेरे को लगा मेरे को ये पूछना है, तो मैंने यहाँ पर यहाँ क्लिक करा टेक्निकल सजेस्ट, उसने खुद ही लिख लिया, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, सेंड कर दिया, तो वो आपको सजेस्ट करके बता देगा टेक्निकल जैसा कि मैंने लिखा। ये बेस्ट बताएगा क्योंकि गूगल को आप जानते हो गूगल का सर्च इंजन सबसे बड़ा है, तो उससे रिलेटेड अगर आपने इससे कुछ सवाल पूछा है तो ये सवाल आपको एक्यूरेट आने वाला है, और उसके आंसर भी एक्यूरेसी आएंगे, और वो आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, मैथमेटिक, लॉजिकल, आपके कोडिंग, क्या बोलते हैं जावा कोडिंग, PHP कोडिंग, या कहीं भी चीज़, या ऐसा कोई भी या कुछ भी आपको पूछना चाहो आप इससे AI से पूछेंगे और पूरा आंसर आपको वो मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये वाला AI काम करेगा। आने वाले टाइम पे गूगल असिस्टेंट को रिप्लेस कर देगा। गूगल असिस्टेंट को रिप्लेस करने के बाद और भी आप इससे लुक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई फोटो या वीडियो को भेज के कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर फोटो या वीडियो को भेज के पूछ सकते हैं, या अगर आप टाइप करके पूछना चाहें जैसा मैं पूछता हूँ, सजेस्ट मी द टेक्निकल टॉपिक्स फॉर YouTube वीडियो, सजेस्ट टेक्निकल टॉपिक्स फॉर YouTube वीडियोस, मैंने यहां पर लिखा, तो आप देख सकते हैं उसका आंसर वो तुरंत आपको यहां पर बता देगा कि आप इस तरीके से या फिर ये वाले सजेस्ट पे चल रहे हैं, ये आपको यहां पर सब कुछ बता रहा है, बिल्कुल बिल्डिंग करके आप देख सकते हैं।
इस तरीके से आपको इमेजेस के रूप में भी बता रहा है, जो कि चैट जीपीटी नहीं कर पा रहा था वो तक करके बता रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इसका जो एपीआई यूज़ की गई है बहुत ही अच्छे लेवल की एपीआई यूज़ की गई है, जिससे आप यहाँ पर जो भी सर्च करें वो आपको इजीली मिल पाए। तो दोस्तों ये था जेमिनी के नाम बारे में जिसके बारे में बताया, ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए। मैं 3 से 4 दिन से सोच रहा हूँ इसके बारे में बताऊँ, बट आज फाइनली मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई ताकि आपको इसके बारे में बता सकूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिस बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। थैंक यू।